देखिए, ऐसा लगता है कि झारखंड में लोकतंत्र नहीं भीड़ तंत्र जो है वो हावी हो गया है। आप सिमडेगा के हाल की दो घटनाएं देखें, एक दलित युवक को भीड़ ने आग के हवाले कर दिया और उसकी मौत हो गई, और पुलिस पूरे घटनास्थल पर मूक दर्शक बनकर खड़ी रही, उसने उस युवक को बचाने की कोशिश नहीं की। और आज एक वृद्धा को डाइन कहकर भीड़ ने फिर से जिंदा जलाने की कोशिश की, वो अधमरी सी अवस्था में अभी भी अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रही है। ये पूरे तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, पुलिस के खुफिया तंत्र का फेलियर है। भीड़ इकट्ठा होती है, जन अदालतें लगाई जाती हैं और सजा सुनाई जाती है, उसके बाद लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है, लेकिन पुलिस को खबर तक नहीं हो रही। जब शासन का इकबाल कम होता है तो ऐसी ही घटनाएं देखने को मिलती हैं। दरअसल माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि इस घटना के पीछे जिन लोगों का भी हाथ है और जिन पुलिस अफसरों की विफलता है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। हमें यह लगता है कि भाजपा के प्रवक्ता को अपनी सरकार के पापों को याद कर लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कैसे इस राज्य में 56 मॉब लिंचिंग हुए और कैसे डाइन के नाम पे सैकड़ों महिलाओं को मारा गया। उस वक्त रघुवर दास जी का शासन और शासन का इकबाल कहाँ था? अगर रघुवर दास जी के शासन का इकबाल बुलंद होता तो रघुवर दास स्वयं अपने ही कैबिनेट के मंत्रियों से चुनाव नहीं हारते। अगर रघुवर दास जी का शासन का इकबाल बुलंद होता तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने के बाद भी आज इस राज्य में सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली पार्टी बनकर के नहीं रह जाती। हमें लगता है कि भाजपा के प्रवक्ताओं को कम से कम विचार तो कर लेना चाहिए कि शासन और शासन का इकबाल क्या होता है। महागठबंधन की सरकार पूरी तरह शासन और शासन का इकबाल इस राज्य में अपराधियों से लेकर के हर वैसे व्यक्तियों को सिखाने का काम कर रही है जो शासन के इकबाल को नहीं समझ पा रहे थे भाजपा के शासनकाल के समय।